पाकिस्तान की तहरीक में नारा लगा इस्लाम का और मौजदे के तौर पर पाकिस्तान कायम हुआ। मेरी तो किताब है, मुकम्मल बहस है। कोई उसूल तय नहीं कर सकता कि पाकिस्तान जो है किसी भी एतबार से, कोई एक्सपेक्ट कर सकता था कुछ दिन पहले भी कि पाकिस्तान बन जाएगा। अभी हाल ही में मैंने इतनी मोटी किताब पढ़ी है, जिना ऑफ पाकिस्तान। मैं कहता हूं कि खुद जिना को चंद महीने पहले भी कोई यकीन नहीं था कि पाकिस्तान बन जाएगा। अक्सर और बेशतर लोगों के नजदीक ये बारगेनिंग टेक्टिक्स थे सिर्फ, और कुछ भी नहीं थे। प्रोफेसर इकबाल अहमद खान ने मुझे बताया कि 1946 में तो कायदे आजम ने बहुत बड़ी एस्टेट, बड़ी जमीन खरीदी थी कुल्लू के इलाके में, जो अब हिमाचल प्रदेश में है। इन 1946 वो वहां पर एक बड़ा जो है स्पॉट बनाना चाहते थे सैर के लिए, सैरगाह, तफरीगाह, यानी वो एक कारोबारी सिलसिला, और अपना भी एक बहुत बड़ा बंगला बनाना चाहते थे। इट वॉज हैपनिंग इन 1946। इसलिए कि पाकिस्तान अगर था भी उनके जहन में, तो चूंकि पंजाब का ख्याल था कि वो तो पूरा आएगा, तो वो पाकिस्तान ही में आता। लेकिन बहरहाल ये कि, और आपको मालूम है, एक साल पहले उन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान मान ही लिया था, वन सेंट्रल गवर्नमेंट विद 3 zones। पाकिस्तान कायम हुआ है सिर्फ उस सुन्नत खुदाबंदी की बुनियाद पर कि जब कोई कौम इज्तिमाई तौर पर अल्लाह से यह कह के अल्लाह ये कर दे तो हम तेरी बंदगी करेंगे, तो अल्लाह वो करता है। ए अल्लाह हमें अंग्रेज और हिंदू की दोहरी गुलामी से निजात दे दे, तेरे दीन का बोलबाला करेंगे। 1947-46 का मैं तो चूंकि बारह लिखा, स्कूल तालिम की हैसियत से भी वर्कर तो था, सब मुझे तो सब कुछ याद है। मुझे याद है वो जरा जरा, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, जो हम नारे लगाते थे, जो हम जुमों में तकरीरें करते थे और दुआएं मांगते थे गिड़गिड़ाकर, ईदों के इज्तिमा में दुआएं मांगा करते थे, ए अल्लाह हिंदू और अंग्रेज की दोहरी गुलामी से निजात दे दे, तेरे दीन का बोलबाला करेंगे, तेरे नबी का दीन कायम करेंगे। लिहाजा फनंजुरा कैफ तामलून, लो पाकिस्तान लो और अब हम देखेंगे तुम करते क्या हो। और इसके बाद मैं आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं आपसे, आयात इलाही का अगर आपको मुशाहदा करना है, ये इतना बड़ा मौजजा है, जो मैंने शुरू की तमहीद पूरी आज बांधी है कि दुनिया में सेकुलरिज्म का दौर दौरा है, कि अल्लाह को माज अल्लाह कान पकड़कर निकालकर बाहर कर दिया गया है निजाम हुकूमत और सियासत से। लेकिन आप नोट कीजिए, 1949 12 मार्च 20वीं सदी का वस्त, 10 करोड़ आवाम की नुमाइंदा असेंबली ऐलान कर रही है हाकमियत अल्लाह की है। इस कंट्रास्ट का मुलाजा कीजिए, सरवरी जेबा फकत उस जाते बे हमता को है, हुक्मरा है एक वही बाकी बुताने आज। ये नारा तकबीर है कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। आप समझिए कि यहूदी 1776 से जो स्कीम बनाकर चल रहा था कि मजहब को निकाल बाहर करो, गोया के नारा लगा है नहीं, एक मुल्क कायम हुआ, 10 करोड़ इंसानों का मुल्क कायम हुआ है, आलम इस्लाम की अजीम तरीन ममलकत कायम हुई है, और उसने नारा लगाया है कि हाकमियत अल्लाह की है, हम हाकमियत के मुद्दई नहीं है, अपने हाथों दस्तबरदार हो रहे हैं हाकमियत से, हाकमियत अल्लाह की है, हमारे पास जो इख्तियार भी है वो एक सेक्रेट ट्रस्ट है, एक अमानत है, हम खिलाफत के कायल हैं हाकमियत के नहीं। वो इख्तियार हमारा जो असल हाकिम है उसकी आयद करदा हदूद के अंदर ही इस्तेमाल होगा। ये करारदाद मकासिद है, नारजद इश्क के खूनी जिगरे पैदा शुद, हुस्न लर्जीद के साहिब नजरे पैदा शुद। ये इस सेकुलर ऑर्डर, सेकुलर नोवो, उसमें उसके खिलाफ बगावत का कलमा बुलंद हुआ है तो सिर्फ इस सरजमीन से बुलंद हुआ है, बाकी पूरी दुनिया में कहीं बुलंद नहीं हुआ। इसी मौजजे का मजीद तसलसल हुआ है आज, किस कदर यह बईद अस्कयास शय मालूम होती है, तमाम मजहबी फिरकों की टॉप की क्यादत के 32 या 33 उलमा थे, शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, जमात इस्लामी, दस्तूर के लिए 22 एग्रीड प्रिंसिपल्स बनाओ, गाड़ी चलाओ, दस्तूर की पटड़ी बिछाओ और गाड़ी चला दो इस्लाम के रास्ते के ऊपर इस मुल्क की। हमें ताना ना देना कि ये मौलवी जमा नहीं होता,
हम पर इल्जाम कायम ना करना कि किसका मजहब, किसका दीन, किसकी रियासत, किसकी शरीयत। बरेलवी का इस्लाम नाफिज करें कि देवबंदी का नाफिज करें कि शिया का करें कि सुन्नी का करें, 22 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑल एग्रीड अपॉन, गो अहेड। चुनाचे कुछ ना कुछ पेशकदमी हुई भी थी 1956 के दस्तूर में, कुछ ना कुछ, बहुत कम लेकिन थी पेशकदमी। लेकिन अच्छी तरह समझ लीजिए कि ये जवाबी, ये जो भी पाकिस्तान की शक्ल में जो रोल अल्लाह ने असाइन किया था, गौर कीजिए 14 मई 1948 को इसराइल कायम हुआ है और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान कायम हुआ है। कोइंसिडेंस, मुकाबला किसका है? बजाहिर तो दुनिया बहुत बड़ी है, इसराइल छोटा सा है। बजाहिर आलम इस्लाम बहुत बड़ा है, पाकिस्तान उसमें छोटा सा है। असल कुव्वतें ये है जिनके दामाद में तसादुम है और टकराव। इससे जो ऐवान कुफर में जलजला आया है, तौहीद का गलगला बुलंद हुआ तो कुफर में जलजला आना था। उसका नतीजा यह है, कुछ बैरूनी जवाबी हमला हुआ, कुछ अंदरूनी तौर पर हमने शैतान की पैरवी की।